हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे होंगे? आप सब ठीक होंगे? हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं, बच्चा पार्टी सारे के सारे जग गए हैं और आज बहुत अच्छा मौसम है, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है रात के समय से। और बारिश होने की खुशी में आज बच्चों के लिए बनाएंगे कुछ स्पेशल। वहाँ पर मैंने आलू जो है बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, तो चलो जी आज बना कर खिलाएंगे इन्हें ब्रेड पकौड़ा। तो सबकी फरमाइश हो रही है, एक एक बार इन्होंने वैसे चाय पी ली है, अभी भी लगातार झमझम बारिश हो रही है हल्के वाली, क्योंकि हम लोगों के जगने से पहले जो है बहुत तेज बारिश हो चुकी है, बहुत ही गरज रहे थे बादल। और बच्चों बारिश में नहीं आना, चलो मम्मी की तो छूट है बच्चों की नहीं है, चलो जल्दी अंदर बेटा, बारिश में नहीं भीगते मम्मी। अभी गात करना रहा फ्रेंच और इसकी फरमाइश है फ्रेंच फ्राइज बनाने की। अच्छा ठीक है, ये देखो अभी से सुबह उठते ही अपनी फरमाइश है कि हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लो बेटा, जिस जिसका बचा हुआ है मेरा बच रहा तो कंप्लीट कर ले अपना समय से, फिर हमारी गलती ना निकालिए कि आपने करवाया नहीं था, क्योंकि जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं 2-3 दिन बाद। और क्या करेगी? नाश्ता आज मिट्टी के चूल्हे पे नहीं बनेगा, आज ये गैस का चूल्हा ही ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाली किचन हो जाती है छोटी, फिर खाना भी बनाना है उसके बाद में, तो जब तक आलू भी उबल जाएंगे। आज इस गैस के चूल्हे का ही चकरदंड होने वाला है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आज का जितना भी खाना है सुबह से लेके शाम तक ऊपर ही बना लेंगे क्योंकि सारा सामान ऊपर ले जाने में वक्त लगेगा और बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं, जो ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें हैं वो तो ऊपर से ले लेंगे, जैसे भाई गुड़ शक्कर हुए वे ऊपर ही रखे, और दाल की ज़रूरत तो पड़ने की नहीं। खाने में बनाने के लिए राजमा भिगोया था रात में, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो पहले भिगो के तैयारी करनी पड़े और सोचना पड़े कि कल हमें खाने में क्या बनाना। आज दूध भी दही भी ऐसे ही रखी हुई है हमारी, ये देखो इंतज़ार कर रहा क्योंकि सुबह की लाइट जो है गुल है हमारे यहाँ की। ओम कपूर गोलम करता सार सार भुजंद्रे आरम सदा विदंद्रे बहु भवानी सेतम नमामी। अभी एक एक करके मुझे सारा सामान ऊपर तक पहुंचाना है फर्स्ट फ्लोर तक, तो चलो जी चलते हैं। और प्रात में मैंने बहुत सारे आइटम रख लिए एकदम से ही, ताकि आसानी से चले जाए इधर उधर ना गिरे। फ्रेंच फ्राइज बनाओगे? वहाँ खाना बनाने का एक फ़ायदा हो रहा है बारिश में नहीं भीगने के, मुझे लग रहा बारिश आज पूरा दिन चलने वाली है। वहाँ ना रसोई में सिंक लगा हुआ है तो बर्तन अंदर के अंदर ही साफ हो जाएंगे। पका कर नहीं बनते वे। हाँ, पका के बने। तो भाई जैसे काफी दिनों बाद बारिश हुई है यहाँ पे, बड़ी रिक्वेस्ट और मन्नत मांगने के बाद में भगवान से, तो अभी जो है बारिश स्टार्ट है और ये रात से ही है। कितने बजे से है ये हमें भी नहीं पता, हम तो सो के उठे थे भाई, हमें पता लगा था कि बारिश चालू है। तो गर्मी से राहत यहाँ भी मिली है, यहाँ भी सुन ली है इंद्र देवता ने हम सबकी, तो ठंड भरा सा मौसम कर दिया, नहीं तो कई दिन से बहुत ताबड़तोड़ गर्मी थी। अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात यह है कि जैसे लगातार बारिश हो रही और बरसात का मौसम और लग गया है झड़, झड़ बोलते हैं भाई हमारे यहाँ, झड़ लग गया, और ऐसे में कुछ चटपटा नमकीन कुछ ऐसा हो जाए भाई बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी स्पेशल सा, तो बरसात के मौसम में जैसे कि फेमस हैं चाय पकौड़े, तो उसी तरह का कुछ यहाँ तैयारी चल रही। तो यहाँ पे अभी तैयारी क्या चल रही, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आलू तो उबल चुके भाई, इन्होंने पता ना कद के रख रखे थे, ये तो हैं तैयार, उधर हैं ब्रेड, तो इतना तो अंदाज़ा मैंने लगा ही लिया कि भाई आलू ब्रेड का कुछ बनने वाला है। उधर बर्तन और बेसन भी रखे हैं, तो भाई कुल मिला के यही है कि अब कन्फर्म हो गया पकौड़े पकौड़ी जो भी है बनेंगे, और कैसे बनेंगे, कौन सी शेप में बनेंगे, तरीका तो लगभग सबको एक जैसा ही हो है भाई, मिलाओ काटो घोलो तल लो, ये हो है सबका, लेकिन इन्हें शेप अलग अलग दे दी जा, टेस्ट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं ये ब्रेड के पैकेट में रात नहीं लाई थी क्या, बारिश हो गया और मैं पकौड़े बनाऊंगी, मेरे अंदर नहीं था मुस्कुराहट आ रही, मतलब मेरे चेहरे में। तो तुझे मतलब पता नहीं था कि इन ब्रेड का क्या होगा? हाँ। ये पता था कि भाई वैसे ही खा लेंगे क्योंकि कल बारिश का अंदाजा था ही नहीं कुछ, और ये मौसम है इसमें अंदाजा क्या लगाऊंगे भाई, मौसम वैज्ञानिक भी फैल ना, और इंटरनेट महाराज भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, दिखाते हैं बारिश होगी, होती है नहीं। तो भाई ये तैयारी चल रही है, यहाँ पे चूल्हा यहीं पर रखा जाएगा, अब ये पता नहीं मिट्टी वाला रखा जाएगा या सिलेंडर चढ़ाऊँ, यहाँ सिलेंडर तो रखा पर वो गैस का चूल्हा ही डाला हूँ, मैं सोच रही मैं यहाँ काला हुआ है फिर
धुएं की वजह से? हाँ, धुआं हो जाएगा ना, धुएं में प्रॉब्लम होगी। और बाहर अगर वेंटिलेशन हो कुछ ऐसा, खुले में बाहर धुआं बाहर चला जा, भाई यहाँ अंदर ही रह जा, तो भाई यहाँ काला ना हो। इसके लिए जो है मैं गैस सिलेंडर और उसके स्टोव का इंतजाम करता हूँ, रेगुलेटर वगैरह काट कर लाऊँगा अब। और चटनी वटनी इन्होंने पूरी तैयार कर ली मंगवा के, ये रखी। प्याज अगर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे ये हैं, आलू तो लिमिटेड रहेंगे, जितने उबल गए उतने यूज़ करने बस। तो बारिश भी फिलहाल थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हुए थोड़ी सी तेज़ हो गई, रिम जिम हो रही थी अब झमाझम होगी। तो रिम जिम और झमाझम में थोड़ा सा फ़र्क आया है, अभी कन्वर्ट हो गई है झमाझम में। और भाई इधर भी जो है कन्वर्ट हो गए हैं आलू छिलके उतर के पेस्ट के रूप में, होने वाले हैं, मतलब हुए नहीं अभी। आलू का छिलका उतारते हैं ना जब गरम गरम का, तो काफ़ी देर लगा ठंडा होने में, तो गरम बेसन उसमें मिला नहीं सकते, ये बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसन का घोल बनाकर रख दूंगी मैं। तो इसमें डाल दिया मसाले धीरे धीरे से, और थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें मैंने अजवाइन हाथों से मसल कर जो है डाल दी है। तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। और घोल जब पहले बना कर रख देते हैं तो ये इतने सॉफ्ट बनकर आते हैं पकौड़े, बहुत बढ़िया एकदम से। और अभी तो बनने के बाद पता चलेगा। और ये बेसन हमने घर पर ही बना रखा है चने की दाल का, क्योंकि अपनी चक्की जैसे आटा पीसते हैं उसके बाद में बेसन पीस लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया घोल, अभी कोई भी गांठ इसमें हमें नहीं छोड़नी है। देख लो अपने बच्चों की हालत, अब तक तो ठंड ठंड कर रहे थे, बारिश हो जा, और इतने में ही देख लो गर्म पानी मांगने लगे ना एक बारिश होते ही, और इतना ठंडा नहीं हो रहा। दूसरी भी नु कह रही पापा जी अभी सिलेंडर लगा रहने दियो। आलू ठंडा होने के बाद में इन सबको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, और अब ये ब्रेड जो है ये भी इसमें इस तरीके से तोड़ के मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बारीक तोड़ना इसको, और सारी की सारी आलू में मिक्स करेंगे। इसमें प्याज हरी मिर्च मैंने पहले काट ली थी, और साथ के साथ इसमें जो भी हमें मसाला डालना, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, और हरा धनिया है नहीं हमारे पास में, तो इसलिए हम डाल लेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के, और ये गरम मसाला। तो ये हो गया जी मसाले। तो अब इसको इस तरीके से जैसे आटा गूंदा गया ना ऐसे मिलाओगे। दो तरह के ब्रेड पकौड़े बनाएंगे आज। चलो जी अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और इसे इस तरह बना के रख देंगे स्टफिंग को, जैसे हम आटा लगा लें रोज। तो यहाँ पर मैंने जो भी ब्रेड का एक पैकेट बचाया था उसमें इसको फिल करना शुरू कर दिया है स्टफिंग को। तो इस तरीके से बनाऊंगी और गोल वाले बनाऊंगी, जितने भी स्टफिंग बचेगी उसे फिर बेसन के घोल में निकाल लेंगे। तो इनको तैयार करके कटिंग करके रख दूंगी, फिर प्रीति जो है फटाफट से सबको ब्रेकफास्ट दे देगी, और बस इनको बेसन में निकाल के तलना बाकी रह जाएगा। और इस छुरी का कितना फ़ायदा देखिए, कितने अच्छे से इससे कटिंग हो रही है। तो जितना ब्रेड मैंने बचाया था उसमें जो है कटिंग करके स्टफिंग डाल दिया है, अभी ये तैयार कर दिया मैंने बिल्कुल, बस इनको तलना बाकी है। और उधर नंदनी मुझसे पता नहीं कितने सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या बना रहे हो बेटा, इधर ध्यान से देखना जरा मम्मी क्या बना रही है, आपके खाने का इंतजाम कर रही है, इसमें आप शाम तक के लिए फुल हो जाओगे एकदम, ठीक है ना। गर्दन देखो किस तरीके से हिल रही, वाह जी वाह, जब चटपटा कुछ खाने को मिल जाए तो गर्दन नुकर है एकदम तय नंदनी। तो अभी जितनी भी स्टफिंग बच रही ना ये वाली, इसके बनाऊंगे हम गोल वाले, तो इन्हें भी मैं रेडी करके रख लूँगी, फिर बस बेसन में निकाल के इन्हें तलना बाकी रह जाएगा। तो छोटे छोटे से बॉल साइज के लड्डू से मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, और इन्हें एक बर्तन में बनाकर रख लूँगी। तब तक प्रीति भी आ गई थी, तो ये चाय रख रही है गैस पर। यहाँ पर एक तो खुली जगह है और सब लोग जो है यहीं पर बैठकर कर लेंगे नाश्ता, हम लोगों ने यही सोचा, और बारिश का भी इंजॉय कर लेंगे, और संडे का भी दिन है आज, बहुत अच्छा दिन है। तो तीनों चीज़ें एकदम से हो रही है, ठंडा मौसम, बारिश का और संडे का दिन। ये देखिए इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, और कुछ जो है गोल वाले पकौड़े तलने अभी स्टार्ट कर देंगे, और फिर इसके बाद में दो बार ये बनाकर फिर मैं सोच रही हूँ कि वो ब्रेड वाले भी तल दूंगी साथ के साथ ही। और नंदनी का एक्साइटमेंट देखिए बहुत ज़्यादा। इधर चाय भी हमारी खदक कर तैयार हो चुकी है, और प्रीति अभी जो स्टफिंग बची हुई थी उसके गोल गोल से साइज के बनाकर रख देगी। और देखिए इतनी सारी जगह चाहिए होती है जब हम पूरी फैमिली के लिए नाश्ता वगैरह या कुछ बनाते, तो नीचे वाला किचन हमें छोटा पड़ रहा था, तो हम सोच रहे थे यहाँ पर बैठकर बातें भी चलती रहेगी और चाय पे चर्चा सबके बैठने के बाद में। अभी पिताजी और चाचा जी को आवाज़ लगा देंगे, माँ को भी, और माँ अभी नीचे यह बोल रही थी मेरे सिर में दर्द है, वैसे सब ने अर्ली मॉर्निंग में एक एक बार चाय पी ली थी क्योंकि ये वाला नाश्ता हमारा काफ़ी लेट बन रहा था। मैं और प्रीति यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, और देखिए मैंने पकोड़े तलने शुरू कर दिए हैं सबसे पहले, ये इस तरीके से धीमी धीमी आंच में, और एकदम बहुत ही टेस्टी। और बच्चे ना अंदर से ही झाग झाग कर देख रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे अंदर वाले रूम में ही हैं कंप्यूटर वाले में,
तो यहाँ पर पहली बार के पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं एकदम, और खाने वाले भी तैयार है, बस अभी आ जाएंगे। और चटनी वगैरह मैं कुछ बना नहीं पाई क्योंकि ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, मौसम को देखकर ही मेरी ये प्लानिंग बनी। तो ये देखिए एक बार के पकौड़े बनकर एकदम रेडी है, चाय भी रेडी है। तो अभी दूसरी बार मैं ये डाल रही हूँ, फिर जो मैंने ब्रेड के फिल करके रख रखे हैं वे भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और सोच रही हूँ सारा काम यहीं पर हो जाएगा किचन का, नहीं तो फिर सामान ऊपर से नीचे इस तरीके से डोवा डावी करनी पड़ती है। और अभी मैंने किचन में जो है प्रॉपर यहाँ पर क्लीनिंग नहीं की है, अचानक से ही प्रोग्राम बना बारिश आने के बाद में। लो जी ये बन गए हैं, और टेस्ट करके तो मैं ही बता सकूं कैसे बने हैं, पर मैं टेस्ट करूंगा नहीं, मेरे पे तो प्रतिबंध है इन्हें खाने का। लेकिन बालक बच्चे और जितने भी माता पिता चाचा हैं वो सब खाने के लिए तैयार हैं। तैयार तो है नहीं, अभी इधर उधर हैं, अभी इकट्ठे कर दिए जाएंगे सबको, क्योंकि एक अलार्म देने की ज़रूरत है बस कि भाई पकौड़े चाय तैयार हैं। ये चाय बन रही देखो, बहुत देर से रखी है, ये भी चाय बनके तैयार है एकदम से, कड़क वाली चाय और पकोड़े नरम वाले, नरम गरम एकदम। और जो ट्रायंगल वाले हैं वे बाद में बनेंगे भाई, पहले फरमाइश हुई थी इनकी गोल पकोड़ों की, इनमें ब्रेड मिली हुई है, मैश करे हुए हैं आलू के साथ में, और मिर्च मसाले जो हैं वो तो सब होते ही हैं सब पकोड़ों में, एक आध कम ज़्यादा बस यही रहते हैं। तो फिलहाल जो है थोड़ी देर में सर्व करने शुरू कर दिए जाएंगे भाई। ये बच्चे यहीं पर हैं अंदर बैठे सारे, और भाई माँ पिताजी चाचा जी वो हैं नीचे, उन्हें भी बुला लिया जाएगा। तो भाई ये हो जाएगी हमारी झड़ की दावत, और बारिश जो है वो लगातार रिमझिम हो चुकी है, बीच में झमाझम हुई थी लेकिन फिर रिमझिम हो गई है, सुबह भी रिमझिम थी। तो ऐसे ही कभी कभी जो है स्पीड बढ़ जा बारिश की, कभी कभी कम। तो इस बारिश के मौसम में पकौड़े और चाय का आनंद लेने के लिए जनता पार्टी सारी एकदम रेडी होने वाली है। आपका फ्रिज में ठंडा हो गया था, हमने कहा ना मिनी में दलिया खा ले, नहीं मैं तो पटोड़े खाऊंगी। दलिया नहीं खा रही है, शाम में दलिया बना था तो जो बचा हुआ दलिया था, जब गर्मा गर्म पकौड़े बन गए हो तो रात का दलिया कौन खाएगा। तो अरविंद भैया बोल रहे थे मुझे तो दावत में जाना है, मैंने थोड़ा सा रात का दलिया बचा हुआ था वो खा लिया है। तो यहाँ पर अभी ये लोग बैठ गए हैं, भाई साहब हैं और बच्चे, और आरुष तो अभी आनाकानी कर रहा कि मेरे लिए तो फ्रेंच फ्राइज बनाना, मैं ये वाले पकोड़े नहीं खाऊंगा। मैंने कहा आज तुझे ये खाने पड़ेंगे, कल बनाऊंगी फिर मैं। तो बीच रास्ते में बस सिलेंडर भी बोल गया, ये लगाया था हमने गीजर पर उतार के, सोच रहे थे बस काफ़ी बच रहा होगा अभी, पर इसमें तो कुछ मसाला ज़्यादा था नहीं, हो गया ख़त्म, पकौड़े रह गए अभी अधकाल में, और सारे बनाने हैं जरूरी। तो सिलेंडर अभी चेंज करा जाएगा यहाँ पे, तब जाके आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जो पकोड़े उसमें पड़े हुए तड़प ही रहे हैं बस, न जल रहे न भुन रहे। पकोड़ों का नाश्ता रहा सबसे बेस्ट सबके लिए, तो सब लोग जो है खा पी के नीचे जा लिए। अभी प्रीति भी नीचे है, वो बोल रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूंगी, नहीं तो बच्चे ऐसा ही कर दे फिर कोई भी आ जा। तो यहाँ पे साहब के लिए बनना है, सुनील जी के लिए ये देखिए ओट्स वेजिटेबल्स डाल के बहुत सारे। तो अभी ये रेडी है एकदम से, क्योंकि पकोड़े पकोड़ी तली भुनी चीज़ें सब इन्होंने अवॉइड कर रखी, तो इनके लिए बना दिया मैंने ये खाएंगे ये ओट्स। तो अभी यहाँ की करते हैं क्लीनिंग, बर्तन साफ करूँगी और बस ये एरिया पूरा क्लीन कर दूँगी, फिर शाम का खाना यहीं पे बना लेंगे। तो पंगत जो है वो जा चुकी खा के, और जो मैट बिछा रखे थे खाने के लिए वो अब करेंगे यहाँ पे हलवाई, और उसके कैटरिंग का जो स्टाफ है वो लोग, मैं भी योगदान देता हूँ इसमें कुछ साफ सफाई के लिए। और अभी जो है चूल्हा बहुत देर जलने के बाद थोड़ा सा शांत हुआ है, मेरे लिए बने हैं ओट्स, ये मैं खाऊँगा। सिलेंडर चेंज करना पड़ा था बीच में ही, और बरसात का मौसम, चप्पल जूते उधर निकलवा रखे आज सबके भाई, मगर इधर ना आ जाइए, इधर खाना बनने के एरिया में है, यहाँ पे है अन्नपूर्णा भंडार, अन्नपूर्णा भंडार में चप्पल जूते नो एंट्री। तो अभी सब खा खा के आराम कक्ष में चले गए अपने सैन कक्ष में, जैसे कि इसमें चाचा जी हैं, इसमें माँ है और बच्चे हैं, और ये भी जो है अभी एक दो घंटा और लगेगा इन गृहणियों को। साफ़ सफाई का तो इतना कोई मतलब पोचे का तो कुछ है नहीं, बरसात में कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हाँ झाड़ू लगानी ज़रूरी है। और भाई छील के सब्जियों के ये भी यहाँ से लगाने हैं ठिकाने, और ये ऊपर वाला जो किचन है इसका जो ये है सिंक, ये कभी कभी काम आता है,
इसमें तो भाई ऐसा याद रहेगा जब तक ये यूज में नहीं होगी, बिना प्रयोग की चीजें ऐसे ही खराब हो जाती हैं, ये आप सब जानते ही हैं। तो इसमें बहुत बुंडा हाल हो रहा कुल मिला के धूल मिट्टी और ये वो सामान भी रखे हैं इसमें, लेकिन कभी कभी यूज होने वाले, जैसे साग के अंडे हैं भाई, कुछ बोट्स हैं, कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक चीजें खराब हुई पड़ी हैं ये भी। तो ये था यहाँ का हाल, और अभी इस हाल को यहाँ पे सुंदर हॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। और भाई अब लग गया मुझे भी भूख, जल्दी जल्दी ये चाय जो है गर्म करके पीनी पड़ेगी। ये जग में रखी है भाई, चाय बना दी थी बहुत बल्क में, सब पी नहीं भी। आपकी और मेरी दोबारा बनी, वो तो सब खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं कभी उसमें से ही बच रही है, मैं सोच रहा था भाई पहला जो घाण था कभी उसमें से ही बच रही है चाय, ये दोबारा बनी है। तो चलो दोबारा बनी तो ठीक है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, राम, राम। और बारिश एंजॉय करते रहिए जहाँ जहाँ पे भी हो रही है।